क्योंकि साढ़े बड़े मुकम्मल सियासी सन, असी भी अलहमदुल्ला सियासी हाँ। हूँ वो कहने वक्त हुआ चाहता है नाम की आदम को रगड़े का, आदम को नहीं है नहीं। जिसके दिल में हुजूर की गैरत नहीं है उससे बड़ा नाम की कौन है। जो हुजूर के कहते हम आज के रसूल है सारे वो बैठे हैं ए उस्तादाने रसूल है वो छोटे बच्चे तो लेके वो सारे उस्तादाने रसूल हैं। मैं ये दसो ओ मलून मैं क्रोन नाल मुलाकात जब जे इना जो कोई एक होंदा तो फिर जफे पैने सा नहीं की होना थी। फिर जफे पैने सा नहीं पैने सबो हम भी आज के रसूल हैं ए उन्हें रबी नवल चली पाई की वमा सल्ला जाइला रहमत लिल आलमीन। मैं कह के भी पढ़ना मलून ही ना ही ना माफ की जो होगी वो वक्त की वो तकदीर आए पढ़ ना ये तू पढ़ी नहीं नहीं तेरे तेरे पता ही नहीं तो हम वो उतना दीन याद है जितना कुफर चांदा सन वो दीन याद है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लेके हजरत जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर तो लेके फारूक आजम तो लेके उस्मान गनी तो लेके हजरत हैदर सलाम तो लेके हजरत इमाम अहमद रजा तक और इमाम अहमद रजा तो लेके इमाम खादिम हुसैन रिजवी तक और इमाम खादिम हुसैन रिजवी तो लेके जनाब वो कोट लखपत तक और कोट लखपत तो लेके वजीर अब्बास तक सारा दीन ऐसा पढ़िया। वो इस्लामी लीडर है। मैं क्या इस्लामी लीडर की नुमाइंदा
शेरी मजारी जड़ा शाह साहब ने फरमाया से बावलपुर और शेरी मजारी वो बिल पेश करने वाली। हाँ जी, फिर बिल के मुसद्दे ते गुफ्तगू करने वाले कौन है जी? नून लिखिए, मुसद्दे ते गुफ्तगू करने वाले, फिर उसको पास करने वाले पीपल्स पार्टी और जनाब नून लिखिए, ये सारे ने सारे इस तरह कुफर के खिलाफ सारे इकट्ठे हैं। लेकिन हुजूर दी जदों नामूस का बिल पेश होया एक मजबूत पार्टी जड़ी पीपल्स पार्टी ये बायकॉट करके बाहर निकल गई थी, दूसरे जनाब इस तरह करके निकल गया सन। तुहानू अजे भी अखन नहीं सुनिया कि किन्ने की गुमाश पे एक किन्ने दे तर्जमान हैं एक किन्ने दे जनाब हैं। जदों हुजूर दी इज्जत का बिल पेश होया एक बायकॉट करके बाहर आ गया, एक एहतजाज करके जनाब दायर निकल गया, एक पेश करने वाले नस गया। लेकिन जदों जनाब इतना बड़ा शरीयत के नाल मुतसादम बिल पेश होया ये सारे इकट्ठे, इसका मतलब होया कि गलत नहीं सी किया कि 12 खिलाड़ी होर ते 13 बार बैठे हैं, इन्हें सारे लड़ना एक जगह, इन्हें सारे लड़ना एक जगह, इन्हें के खिलाफ अगर कोई रह जाएगा तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम रह जाएंगे। और कहते हैं इन्हें नाल इत्तेहाद एडजस्टमेंट, मैं कह लेतर एडजस्टमेंट छितर एडजस्टमेंट इंशाल्लाह बड़ी बेहतरीन किस्म की, हाँ और बड़ी बेहतरीन किस्म की। एक जनाब लेतर बरेली का, एक छितर जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलैह तहरीके लबैक पाकिस्तान के मरकजी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।